सुल्तानपुर के एक शोभा यात्रा के उत्ते ट्रक चढ़ गया। जी हाँ, शोभा यात्रा से जा रहे लोगों के उत्ते ट्रक चढ़ गया। दसया जा रहा फिलहाल 12 लोगों की मौत हो गई है तो मरण वाले 7 तो 8 बच्चे शामिल दसे जा रहे हैं। मौके दी तस्वीर तुम्हें दिखाने तस्वीर कितनी दर्दनाक ने। फिलहाल वो परिवार रो रहे हैं जिन्होंने फिलहाल दस कि जी मारे गए हैं। शोभा यात्रा के बिहार के सुल्तानपुर पिंड हादसा वापरिया दसया जा रहा है। जो तस्वीर इस वे असं थोड़े न फिलहाल साझिया कर रहे हैं। वैशाली जिले के सुल्तानपुर के वड्डा हादसा वापरिया जिथे कि महानार हाजीपुर हाईवे के उत्ते एक बेकाबू ट्रक ने लोगों की भीड़ को कुचल के रख दिता। यह भीड़ दसा कि एक शोभा यात्रा के शामिल हुई सी। पिंड एक प्रोग्राम से जिसने फिलहाल दसा एक शोभा यात्रा सजाई गई। पिंड शोभा यात्रा सजाई गई तो शोभा यात्रा के दौरान दसया जाता कि एक बेकाबू ट्रक इस शोभा यात्रा के कोलों लंघन लग्या तो आखिरकार उसने उन्होंने दरड़ दिता जो शोभा यात्रा के शामिल दसे जा रहे हैं। फिलहाल 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई है जिन्हों 7 तो 8 बच्चे फिलहाल दसया जाता इस हादसे के मारे गए हैं। बच्चों की तड़फ तड़फ के दर्दनाक मौत हुई है। सड़क के उत्ते ही दम तोड़ के दसे जा रहे हैं। फिलहाल ये मौके दी तस्वीर ने पिछे तो ट्रक खड़ा नजर आ रहा है वही ट्रक है जो फिलहाल दसया जाता है कि लोगों की भीड़ से जा चढ़िया। जो तो ट्रक लोगों की भीड़ से जा चढ़िया लोगों की मौत मौके पर हो गई तो गुस्सा फुट गया लोगों का। फिलहाल दसया जाता है कि जो शोभा यात्रा के लोग शामिल सन उन्होंने ट्रक ड्राइवर फड़ लिया। ट्रक ड्राइवर फड़ के उसनू लहू लुहान कर दिता। उसकी इन्नी ज़्यादा कुटमार की है। फिलहाल वो कुटमार का वीडियो भी थोड़ा दिखाने तो दूसरे नाल दूजा वीडियो दिखाने जिस साफ दिखाई दे रहा कि किस तरीके ट्रक ड्राइवर की है जो कुटमार की गई है। तस्वीर थोड़ी स्क्रीन पर लहू लुहान होया ट्रक ड्राइवर है फिलहाल जिसके उत्ते हमला किया जा रहा जिसका जो भी आया उसने ट्रक ड्राइवर दे मारिया। इस ट्रक ड्राइवर की गलती नाल जा कह सकते हो जा फिर जो ट्रक दे विच किसे तकनीकी नुकसे नाल फिलहाल हादसा किवें ते क्यों वापरिया इस दे बारे जानकारी तो नहीं मिल पाई पर सीधे ते साफ शब्दों के दिखाई दे रहा है कि एक बेकाबू होए ट्रक ने फिलहाल शोभा यात्रा के उत्ते ट्रक चढ़ गया। शोभा यात्रा के उत्ते ट्रक चढ़न के नाल फिलहाल मौके पर ही 12 लोग मारे गए हैं। मौके पर 12 लोगों की मौत हो गई है। परिवारों का रो रो बुरा हाल है। इन 12 लोगों के 8 बच्चे शामिल दसे जा रहे हैं। निके निके बच्चे दसे जाते कि शोभा यात्रा में शामिल हो शोभा यात्रा तो बाद लंगर से इस लंगर को खा के जिवें ही लोग घर वापस जा रहे सन तो हादसा वापरिया जिसके कारण फिलहाल मौके पर ही 12 लोग मारे गए ने। 12 लोगों की मौत हो गई है। शोभा यात्रा इन लोगों के लिए अंतम यात्रा साबित हुई दसी जा रही है। तस्वीर तुहाड़ी स्क्रीन के उत्ते फिलहाल मौके की नज़र आ रही है। इसे विचकार तो दस दिए कि तुसी इस खबर के उत्ते अपनी प्रतिक्रिया सानू कमेंट करके दे सकते हो। असी कोशिश करांगे तुहाड़ी हर प्रतिक्रिया पढ़ के सुनाइए। उत्थे ही तुसी इस खबर नूं वध शेयर भी कर सकते हो। जिस तरीके जसवीर चीमा वाहिगुरू जी लिख रहे हैं, सुखविंदर सिंह ने वाहिगुरू जी, जगजीत गिल वाहिगुरू जी लिख रहे हैं, कमलजीत सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी, संजीव भनोट लिखते हैं कि ओम शांति, बलविंदर सिंह वाहिगुरू जी लिख रहे हैं, पर जो दर्शक होने साडे नाल जुड़े ने केवल चौहान लिखते हैं वाहिगुरू जी। तुसीं भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। पर फिलहाल दस दिए कि सुल्तानपुर इलाके दे विच हादसा वापरिया। सुल्तानपुर पिंड च वापरे हादसे के कारण शोभा यात्रा के उत्ते शोभा यात्रा दे विच जिथे लोगों का एक वड्डा इकट्ठ मौजूद सी उत्थे एक बेकाबू होया ट्रक लोगों की भीड़ से जा चढ़िया जिस दे नाल 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मरण वालों के 8 बच्चे शामिल दसे जा रहे हैं। मरण वालों 8 बच्चे सन जिन्हों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस घटना के उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों दुख जाहर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं सगों देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पूरे मामले के उत्ते नोट कह सकते हो कि दुख जाहर करते हुए इस घटना के उत्ते दुख जाहर करते हुए PF फंड चो 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उत्थे जख्मियों 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया। उत्थे बिहार के CM नीतीश कुमार ने इसनों फिलहाल दसिया कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी तो उत्थे ही पीड़ितों की सहायता भी की जाएगी। पर फिलहाल ये तस्वीर बेहद मंदभागिया कही जा सकती ने जो असं इस वे तो साझिया कर रहे हैं। इन तस्वीर तो थोड़ी होर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते रहेंगे पर एक बार मौके दी तस्वीर तुम्हें फिर दिखाने आखिर मौके पर होया की है ना इन लोगों गलबात भी करते हैं। Yeah.
किस प्रकार की घटना हुई है यहाँ? घटना बहुत दुखद है और लगातार इस रोड में घटना हो रही है, लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी अभी किस प्रकार की घटना है? बहुत इस सहदेव प्रखंड के सभी लोग दुखी है इस घटना से। सब गरीब युवा थे, किसान के बेटा थे और इस घटना से हम लोग बहुत दुखी है। किस गाड़ी से रौंदा गया है? ट्रक से। कितने लोग की मौत हुई है अभी? लगभग 8 से 10 आदमी की मौत हो चुका है। क्या कोई कार्यक्रम था यहाँ पे? न्यूतन में कार्यक्रम था, पूजा हो रहा था। जी, भूया बाबा पूजा होने वाला। कौन सा जगह है भैया? नया पूर्वी 28। ट्रक की जानकारी है? ट्रक की हमको अभी जानकारी नहीं, अभी तुरंत आए 10 मिनट पहले। और ड्राइवर कहाँ है उसका? ड्राइवर गरीब है, मर चुका है। ड्राइवर मरा नहीं है, ड्राइवर ड्राइवर उसी में है, गाड़ी में ही है। जी, कोई पुलिस वुलिस आई है क्या? आया अभी तक देसी थाना अभी तक नहीं पहुंचे है, मनार थाना के आए हैं अधिकारी, देसी थाना अभी तक नहीं पहुंचे है। घटना के कितना देर हो गया? लगभग 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया। कोई पुलिस वुलिस नहीं? अभी तक देसरी थाना के कोई प्रशासन नहीं आया। एम्बुलेंस आया 3 गो। भूया बाबा का पूजा होता है, उसके पूर्व में न्योता दिया जाता है देवताओं को, उसी परंपरा के तहत यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। अचानक एक ट्रक, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया, करीब 10-12 लोग उसमें कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ी। और इस दुखद घटना की हम संवेदना व्यक्त करते हैं और सुख संतप्त परिवारों को, उनके प्रति हम, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जो भी मृत हैं उनको ईश्वर शांति दे और उनके परिवार को सुख से उभरने की शक्ति। कितना मौत हुई है यहाँ? लगभग 10-12। आप बता रहे हैं कि मैम कि बिहार में शराब बंदी है, फिर भी लोग शराब पी सकते हैं? अभी देखिए, ये शराब बंदी की बात बाद में करेंगे, राजनीति का बात। अभी डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजें और घायलों को इलाज कराएं। हमारे SDO साहब, पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, DM साहब भी आ रहे हैं, SP साहब भी आ रहे हैं, पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ इस घटना को पीड़ितों के साथ खड़े हैं। जी, हसन बताया लाइट कम कर हुआ है क्या कुछ इसमें? अराउंड 8:30 से 9 के बीच की घटना है ये, देखिए थाना पड़ता है नया गांव टोला 28 नंबर के पास में। ट्रक जो था अनियंत्रित होकर के उसमें टक्कर लगी है, जिसमें कि बच्चे और कुछ युवक सहित डेथ्स हुई हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, हम जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वैधानिक सहायता हम लोग प्रदान कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन सिविल प्रशासन मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। क्या कुछ सर यहाँ पे मतलब लोगों का डिमांड था उसकी? क्या कुछ लोगों की बात इसमें नहीं, लोगों ने अपनी जो बातें की हैं हम तक पहुँचे हैं और जो वैधानिक रूप से हम लोग मदद कर सकते हैं और जो भी प्रावधान है सरकारी प्रावधान है मुआवजा संबंधित एवं अन्य सब चीज़ों के उस पर काम चल रहा है। आगे की सर इसमें बताया जाता है कि इसे स्टेट हाईवे पे अक्सर एक्सीडेंट होता है? देखिए, जो नियम है स्टेट हाईवे के SSP NHP उसके अंतर्गत रहते हुए जो भी हम लोग दुर्घटना प्रोन एरियाज के बारे में हम लोग कार्य कर सकते हैं, सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत उसमें हम लोग काम करेंगे। ट्रक चालक को भी भेजा जा रहा है? जी हाँ, जो जानकारी मिली है कि अचेत अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में, चोट लगी है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। ड्राइवर का शराब के नशे में होने की बात आ रही है? आई वुड बी एबल टू से दैट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन।